वही उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 19 अप्रैल की शाम बड़ा हादसा हो गया। यहां से निकली महानदी में नाव पलट गई, जिस पर 50 से ज्यादा लोग सवार थे। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई, उनके शव को भी बरामद कर लिया गया है। वही 3 बच्चों समेत 7 लोग अभी भी लापता हैं। गोदखोर और SDRF की टीम शनिवार को भी रेस्क्यू में जुटी है। वही उड़ीसा सरकार ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। राज्य के CM नवीन पटनायक ने घटना पर दुख जताया है।